नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत और आज मैं आप लोगों को कुछ सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके काले दाग धब्बे को थोड़ा कम कर सकता है। तो ध्यान रहे कि मैं ये वीडियो के जरिए ये नहीं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका स्किन काला है तो वो ख़राब है या वो अच्छा नहीं दिखता या किसी को गोरा होना है ब्यूटीफुल दिखने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, आपका कुछ भी स्किन टोन हो, कुछ भी स्किन कलर हो, सब अच्छा दिखता है अगर आप इसको अच्छे से केयर करते हो तो। अच्छे से मॉइस्चराइज करो, सनस्क्रीन यूज़ करो, हेल्दी डाइट खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो हर स्किन बहुत अच्छा, ग्लोई, स्वस्थ और हेल्दी और ब्यूटीफुल दिखेगा। ठीक है, तो प्लीज़ मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता रही कि सबको गोरा होना है अच्छे दिखने के लिए या कि ये क्रीम से गोरापन हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई भी क्रीम नहीं होता दुनिया भर में जो सेफली आपके स्किन की नेचुरल कलर को चेंज करे। ये क्रीम सिर्फ आपके डार्क स्पॉट्स या दाग धब्बे को थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है, बाकी कुछ भी ये क्रीम चेंज नहीं करेगा। तो अगर आपको कुछ ऐसे सेफ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स चाहिए तो इस वीडियो के द्वारा आपको वो पता चलेगा कि क्या क्रीम्स आप अपनी स्किन में यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रहे कि अगर आपको मेलाज्मा है या ऐसे झाइयाँ या ऐसे कुछ स्किन की बीमारी है तो उसमें शायद ये क्रीम्स ज़्यादा असरदार ना रहे। तो वैसे ही अगर आपकी कुछ कंडीशन है तो बेस्ट रहेगा आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। तो अगर आपके कुछ मुहासे के बाद थोड़े से काले धब्बे हो गए हैं या धूप में जाने की वजह से थोड़ी टैनिंग हो गई है तो ये क्रीम्स यूज़ करने से आपको उसमें डेफिनेटली आराम मिलेगा। तो हर टाइप के दाग धब्बे में शायद ये क्रीम्स ना काम करे तो हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बेस्ट रहेगा। लेकिन ये सेफ स्किन लाइटिंग क्रीम्स है तो अगर आपकी स्किन में कुछ दाग धब्बे हैं तो इससे आपको हेल्प मिलनी चाहिए। वो पहले तो मैं बताऊं कि क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन लाइटनिंग क्रीम से बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो आपके स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में स्टीरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ओके, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टीरॉइड्स के नाम लिखूंगी। तो प्लीज़ अगर आपके क्रीम में कुछ भी ऐसे तत्व है तो उसको तुरंत फेंकिए, डस्टबिन में जाके फेंकिए और वो क्रीम को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। स्टीरॉइड क्रीम्स इस्तेमाल करने से स्किन थोड़ा सा लाइट तो ज़रूर होता है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्किन पतला होना, लालपन होना, उसमें खुजली, जलन होना, परमानेंटली इरिटेटेड स्किन होना, ऐसे सब हो जाता है। तो प्लीज़ स्टीरॉयड वाली क्रीम्स अपने चेहरे में ना लगाएं। स्टीरॉयड क्रीम्स अगर आपने यूज़ किया है और उसके बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं तो आप एक वीडियो देख सकते हो ऊपर आई कार्ड में प्रेस करके। उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि अगर आपकी स्टीरॉयड डैमेज्ड फेस है तो आप क्या कर सकते हो इससे बाहर निकलने के लिए ताकि आपकी स्किन फिर से नॉर्मल हो जाए। स्टीरॉयड्स के अलावा आप ऐसी क्रीम्स जिसमें हाइड्रोक्विनोन हो वो भी इस्तेमाल नहीं करोगे। हाइड्रोक्विनोन एक बहुत अच्छा तत्व होता है, बहुत अच्छी स्किन लाइटनिंग एजेंट होती है, लेकिन उसको सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में, सही समय के लिए इस्तेमाल करना होता है। अगर आप इसको लंबे समय के लिए इस्तेमाल करो, स्पेशली डार्कर स्किन टाइप में अगर आप इसको लंबे समय के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो और ज़्यादा काला धब्बे हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं ओक्रोनोसिस, स्किन के नीचे ऐसे कुछ तत्व जम जाते हैं जो स्किन को कालापन देता है। तो सोचिए आप अपने कालेपन को कम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप हाइड्रोक्विनोन यूज़ करोगे तो ये कालापन एक्चुअली और ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ हमेशा हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे बिना इस्तेमाल ना करें। हमेशा अच्छे से समझे कितनी मात्रा में इसको इस्तेमाल करना है, कितने समय के लिए इस्तेमाल करना है और जितना उन्होंने बोला है उतना ही करें। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये बोल के कि हाँ उनको डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था वो क्रीम और बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने बोला था एक महीने यूज़ करो लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो एक साल तक वो लगा रहे हैं। प्लीज़ ऐसी चीज़ ना करें, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा और स्किन रिएक्ट करेगी लंबे समय के लिए और बहुत आपको प्रॉब्लम होगी ये काले धब्बे को निकालने में। ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोक्विनोन वाले क्रीम्स अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें। तो ये स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में क्या क्या तत्व होते हैं? ये स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में मेनली ऐसे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो स्किन को थोड़ा सा लाइट करता है। ये तत्व जो है टायरोसिनेज, जो एंजाइम होता है जो मेलेनिन बनाता है, वो एंजाइम की मात्रा को कम करता है ताकि मेलेनिन की मात्रा भी कम हो जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी सेफ क्रीम्स होते हैं तो इसको आप लंबे समय के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये स्किन लाइटनिंग क्रीम्स को कैसे इस्तेमाल करना है? ये स्किन लाइटनिंग क्रीम को यूजुअली दिन में दो बार इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में काम रहता है, अगर आपकी ऐसी प्रोफेशन है जो आपको धूप में रहना पड़ता है दिन में 2-3 घंटे से ज़्यादा, तो आप इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करें, दिन में ना लगाएं, दिन में सिर्फ सनस्क्रीन लगाएं। ये क्रीम्स यूज़ करने के बाद आपको रिजल्ट्स कब दिखेंगे? ये क्रीम्स यूज़ करने के बाद मिनिमम आपको 4 से 6 हफ्ते ये क्रीम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं तो बताती हूँ पेशेंट्स को कि 2 महीने इस्तेमाल करे बिना बता ही नहीं पाओगे ये क्रीम असरदार है कि नहीं।
ठीक है, तो 2 महीने तो आपको मिनिमम यूज़ करना चाहिए, तब आप बता पाओगे हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं। तो 2 महीने रेगुलर बेसिस में यूज़ कीजिए, तभी जाके आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। आप इन क्रीम्स को कितने लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हो? ये क्रीम्स काफ़ी सेफ है, तो आप इनको लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूजुअली बोलती हूँ कि 8 से 9 महीने तक आप आराम से यूज़ कर सकते हो, तब तक आपके काले धब्बे भी चले जाएंगे। या क्रीम्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो भी पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं उनको मैं यूजुअली एक में से ये सारे क्रीम्स में से एक क्रीम प्रिस्क्राइब करती हूँ, और मैंने देखा है कि ये क्रीम्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपकी स्किन में ये सूट करेगा कि नहीं करेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही ये क्रीम्स शुरू कीजिए। क्योंकि कोई कोई क्रीम इस थोड़ा सा स्किन में इरिटेशन दे सकता है, थोड़ा लालपन दे सकता है, तो हमेशा ये क्रीम्स यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। थोड़ा सी मात्रा में आप अपने गर्दन पर लगाना वो क्रीम, और 48 आवर्स के लिए देखिए, अगर कुछ जलन लालपन खुजली होता है तो आप ये क्रीम इस्तेमाल ना करें। ये क्रीम्स को हमेशा सोच समझ के ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये क्रीम्स के नाम है डीमेलान क्रीम, ब्रिलांटे सीरम, बाइलुमा क्रीम, स्किन ब्लेस क्रीम, लूमा वॉइड क्रीम और कोजीविट क्रीम। तो इन इतने सारे स्किन लाइटिंग एजेंट्स में मैंने क्यों इतने ही चूज़ किए हैं? ये क्रीम्स जो है मैं रेगुलर बेसिस में अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, तो इसीलिए मैंने ये वाले क्रीम्स चूज़ किया है। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी सेफ है, तो आप इसको लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हो। ध्यान रहे कि डीमेलान क्रीम, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, तो इसे कभी कभी किसी को लालपन होना, खुजली होना, जलन होना ऐसा होता है, और जिनको सेंसिटिव स्किन है वो डीमेलान क्रीम ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको उससे टॉलरेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। डीमेलान क्रीम और बाइलुमा क्रीम के ऊपर मेरा डिटेल रिव्यू है, आप ऊपर आइकन में प्रेस करके वो वीडियोस देख सकते हो। ये सारे स्किन लाइटनिंग एजेंट के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो अपने स्किन में। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका स्किन एकदम ड्राई, इरिटेटेड है और सेंसिटिव है, तो आप बाइलुमा क्रीम शुरू कर सकते हो। वो थोड़ा सा माइल्ड है, तो वो शायद आपको टॉलरेट करने में बेटर रहे। हमेशा याद रखना कि आप पैच टेस्ट करें, उसके बाद ही अपने स्किन में लगाएं। और कोजीविट क्रीम भी काफ़ी सेफ रहता है, और वो भी आप अपने स्किन में इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे क्रीम्स ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन सबके लिए सूटेबल है, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए मुश्किल है बताना कि कौन सा सूट करेगा, क्योंकि वो आपकी स्किन कितना रिएक्ट करता है, कैसा टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ऐसी स्किन है जो बहुत जल्दी लाल हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, तो ये क्रीम्स यूज़ करने से पहले हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये क्रीम से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये काफ़ी सेफ क्रीम्स है, यूजुअली इससे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, इससे आपको थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है। तो किसी किसी को लालपन होना, खुजली होना, जलन होना ऐसा देखा जाता है, तो ऐसा होता है तो आप तुरंत ये क्रीम को बंद करें, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं, और 2-3 दिन में ये रिएक्शन बिल्कुल भी ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ये लालपन बढ़ता है तो आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। तो इसमें क्या क्या सावधानी परखनी चाहिए? अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो बेस्ट रहेगा कि आप ये सारे क्रीम यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी में सिर्फ एजिलिक एसिड वाला क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको डार्क स्पॉट्स को कुछ थोड़ा लाइट करना है, तो एजिलिक एसिड एक बहुत सेफ इंग्रेडिएंट है प्रेगनेंसी के लिए, तो आप वो वाली क्रीम यूज़ कर सकते हो। बाकी ये सारे क्रीम्स इस्तेमाल ना करें अगर आप प्रेग्नेंट हो। तो ध्यान रहे कि जब भी आप कोई भी स्किन लाइटनिंग एजेंट यूज़ करो, तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करोगे, जब तक आप धूप से अपनी स्किन को नहीं बचाओगे, तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आप सनस्क्रीन 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे लगाओगे, हर 2-2 घंटे में इसको रिपीट करोगे। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपको रिजल्ट दिखेगी, वरना स्किन लाइटनिंग एजेंट्स काम ही नहीं करती अगर आप इसके साथ सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करते हो। तो ध्यान रहे कि अगर आप कुछ ऐसे स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो, तो हमेशा स्किन लाइटनिंग एजेंट फर्स्ट लेयर होगा, उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर और फिर उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। अगर आप रात को भी ये स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा रहे हो, तो पहले स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाओगे चेहरा धोने के बाद, उसके ऊपर आप अपना एंटी एजिंग क्रीम या नाइट क्रीम लगाओगे, और उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। तो स्किन लाइटनिंग क्रीम हमेशा फर्स्ट लेयर होगी, उसके ऊपर आप अपना सीरम और एंटी एजिंग क्रीम्स यूज कर सकते हो। तो ये था छोटा सा वीडियो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर। तो मैं आशा करती हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ ध्यान रहे कि मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि ये क्रीम्स यूज़ करने से आपकी स्किन गोरा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी क्रीम नहीं है दुनिया भर में जो सेफली आपके नेचुरल स्किन कलर को चेंज करे। ये बस आपके काले धब्बे को कम करेगा, आपके नेचुरल स्किन कलर को नहीं चेंज करेगा। और आपकी जैसी है नेचुरल स्किन कलर, वैसी ही खूबसूरत है, और आप अपनी स्किन को अच्छे से ख्याल रखोगे तो वैसे ही ब्यूटीफुल दिखोगे। बिल्कुल फेयर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी किसी को भी नहीं है। प्लीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि गोरा अच्छा होता है। तो जैसी आपकी स्किन है वैसी ही खूबसूरत है, जैसी कुदरती है वैसी ही बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ अपने स्किन का अच्छे से ख्याल रखें, वो वैसे ही अच्छी दिखेगी।
अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल एमडी में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस हर रोज़ पोस्ट करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।